हेलो गाइस, वेलकम टू द हॉस ट्रेडिंग। हॉस ट्रेडिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या हुआ, बोला था ना मैंने कल कि मार्केट जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के नीचे आना स्टार्ट करेगा, जहां भी ऊपर भी जाएगा और नीचे आना स्टार्ट करेगा, वहीं से मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिलेगी आपको। मॉर्निंग में वही सेलिंग देखने को मिली और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी। और जो कल भी मैंने सब कुछ बताया था वैसा ही मार्केट, पहले देखिए डाउन साइड की ओर ओपनिंग, यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक लिया। आज भी यहीं से ओपनिंग और ऊपर जाके थोड़ा रुका, 10 मिनट के बाद वापस से मार्केट आना स्टार्ट हुआ डाउन साइड पे। वहीं से हमने ट्रेड बनाया था और एक अच्छी खासी ट्रेड में हमें एंट्री मिली थी। उसके बाद दो ट्रेड यहीं पे लिए थे। फर्स्ट हमने यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा रुका प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि यहीं से मार्केट ऊपर भी जा सकता था, इसी वजह से अपन ने यहाँ पे पहला प्रॉफिट लिया। ठीक है, सेकेंड ट्रेड वापस से यहीं से ही बनाया था, 400 500 के नीचे जब ये कैंडल क्लोज हो और उसके नीचे रुका और उसके बाद ये टोटल मोमेंटम बुक किया था सेकेंड ट्रेड में। ठीक है, उसके बाद थर्ड ट्रेड हमारा यहाँ पे, मैंने ये वाला ट्रेड अपने लाइव में ही अपने चार्ट पे शेयर किया था, लाइव में ही आप लोगों के साथ एक लर्निंग दिया था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने लाइव स्ट्रीम देखा होगा। लाइव स्ट्रीम नहीं देखा तो डेली आ जाइएगा, टाइम टू टाइम वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ तो आपको पता चल जाएगा लाइव में भी कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज घुमाया घुमाया और जैसे ही 540 वापस से ब्रेक हुआ, वहीं से हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम ये कैप्चर की थी मार्केट में। लास्ट मोमेंटम वो भी मैंने बताया हुआ था और मार्केट में आप देखिए टोटली मेरे लेवल्स यहाँ पे फॉलो हुए थे। मॉर्निंग में ये वाले लेवल्स के पास मार्केट ओपन हुआ, यहीं से मार्केट ने ऊपर की साइड में और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ एक अच्छी मोमेंटम। उसके बाद सेकेंड ट्रेड यहाँ पे 400 500 के नीचे ये वाला ट्रेड बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ये 700 ये वाले जोन में ही मार्केट घुमाता रहा। ठीक है, टोटली मार्केट घुमाया, उसके बाद लास्ट में एंड ऑफ द डे में एक यहाँ पे ट्रेड हमने लिया था। उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं किया था। मैं हमेशा बोलता हूँ आप मेरे चार्ट्स को फॉलो करेगा तो आपको पता चलेगा मार्केट में क्या मोमेंटम रहता है। कुछ ज़्यादा नहीं है, सिंपल चार्ट्स रहते हैं अपने, उसमें कोई लंबा गणित नहीं लगाता हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मंडे के दिन मार्केट में क्या मोमेंटम रह सकती है उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पहले तो देखिए यहाँ पे अगर मार्केट 46,680 से 700 के ब्रिज में मार्केट ये जोन में कई बार आ रहा है और इसी के आसपास से ही मार्केट यहाँ पे देखिए सपोर्ट लेके ऊपर गया। यहाँ पे भी देखिए रुका, फिर वापस यहाँ पे नीचे आया एंड देन यहीं से नीचे। ठीक है, आज भी यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे, यहाँ आज वापस से रेजिस्टेंस फेस किया। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जब भी मार्केट ऊपर होता है तो सपोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे देखिए अगर इसके पास नीचे से ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। दैट मींस ये लेवल हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायर सेलर्स इसी जोन में ही फाइट ले रहे। तो अपने को क्या करना है, अपना कुछ नहीं है, शांति से वेट करना है, मार्केट में देखते रहना है कि मार्केट क्या मोमेंटम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे ट्रेड करनी है। ठीक है, ये जोन के आसपास तो हमारे लिए ये जोन एक इम्पोर्टेंट है और मीडियम ट्रेड जोन यानी कि ये हमारा 570 वाला लेवल जो कि 46,570 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। आज भी मार्केट यहीं पे ओपन हुआ था तो ये लेवल भी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल ही है। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल लगा लेते तो हमारे लिए अच्छा रहेगा ये वाले। ठीक है, और नेक्स्ट लेवल डाउन साइड की ओर, यहाँ पे देखिए डाउन साइड की ओर हमारे पास बहुत ही सारा इसी जोन के आसपास सपोर्ट दिख रहा है तो यहाँ पे भी एक मार्क लगा लेंगे और एक 460 के आसपास जहाँ से बहुत सारे रेजिस्टेंस फेस करने को मिले थे। तो ये हमारा चार्ट यहाँ पे छोटा सा रेडी हो चुका है। ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चार्ट चेंज करते रहते तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, फॉलो करने के लिए कुछ नहीं करना है, जाइए हमारे लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, आपको प्रीमियम पे भी ऐड कर लेंगे और बहुत सारी नई नई जो मेरी स्ट्रेटेजीज है वो भी मैं आपको वहाँ पे ही शेयर करूंगा। ठीक है, तो जाइए जल्दी से डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिर देखिए अगर मार्केट मंडे के दिन इसी जोन में कोई भी जोन में ओपन होता है और यहाँ पे देखिए 46,470 के बीच में यानी कि 100 पॉइंट के रेंज में मार्केट ओपन होता है एंड देन यहाँ से हम एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि मार्केट फर्स्टली ऊपर की ओर जाएगा, 46,700 के पास रेजिस्टेंस फेस करेगा यानी कि 100 पॉइंट का हमारे पास ट्रेड बन सकता है ये जोन में अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन करता है और जैसे ही 540 निकलता है तो 100 पॉइंट का टारगेट हमारे लिए यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है डाउन साइड की ओर तो एक छोटा सा मोमेंटम हमारे पास हो सकता है, 80 पॉइंट का एक छोटा सा डाउन साइड का मोमेंट आ सकता है जो कि ये लेवल्स के आसपास लेके आएगा 385, या फिर वॉलेटिलिटी में मार्केट आएगा, फास्ट मोमेंटम होगा, अगर वॉल्यूम के साथ आएगा तो डायरेक्टली 46,330 के आसपास तक का ये जोन में आके मार्केट रुकेगा जरूर। ठीक है, तो
ये मार्केट की स्ट्रेटेजी रहेगी मंडे के दिन फ्लैट ओपनिंग के बाद। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया गैप डाउन में, तो फर्स्ट कैंडल ऐसा ही बनेगा, फर्स्ट कैंडल ऊपर जाएगा देन थोड़ा सा रुकेगा एंड थर्ड एकदम से डाउन। ठीक है, ये गैप डाउन में ही होगा। गैप डाउन में ओपनिंग के बाद क्या होगा, आज जो मार्केट ने गैप डाउन किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो ऐसा ही मोमेंटम होगा, पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, बायर्स को एंट्री करवाएगा, उसके बाद तुरंत से नीचे, उसके बाद तुरंत ही नीचे आएगा मार्केट में, यही होगा। ठीक है, गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन के बाद तुरंत मार्केट एक बार जो आज क्लोजिंग आई थी उसके आसपास आएगा, उसके बाद तुरंत थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा देन एकदम से नीचे, तो ये गैप डाउन में होगा। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होगी तो वो मैंने जो बताया वही सिचुएशन। अगर गैप अप हो गया तो गैप अप में क्या होगा, पहले डाउन साइड, उसके बाद क्या करेगा थोड़ा सा रुकेगा यहाँ पे कहीं पे घुमाएगा एकदम से वॉलेटिलिटी वाली कैंडल दिखाएगा, जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए ये वाले, ये तरीका ही मार्केट यूज करेगा। ठीक है, मार्केट में कुछ लंबा नहीं सोचने का है, मार्केट में शांत दिमाग रखेगा, अपना लेवल्स अपने लेवल्स को फॉलो करते रहिए। अगर आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्केट आया है तो थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तभी मार्केट में एंट्री कीजिए। थोड़ी मार्केट में वॉलिटिलिटी इंक्रीज हुई है तो उसको भी थोड़ा सा सम्मान दीजिए मार्केट को। ठीक है, अगर निफ्टी के ऊपर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी का चार्ट आज कुछ लंबा नहीं था, मार्केट अप एंड डाउन घूम रहा था। मैंने एक वहां पे चार्ट भी शेयर किया था कि निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा था। निफ्टी आप देखोगे मार्केट मॉर्निंग में कंटिन्यूअसली सेलिंग ही आ रही थी और मार्केट ने कंटिन्यू वहां पे 200 पॉइंट का एक 200 पॉइंट का डाउन मोमेंटम भी दिखाया मॉर्निंग। ठीक है, मार्केट 150 पॉइंट के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखाया था। अभी यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, अभी निफ्टी का भी लेवल्स निकाल ही लेते, तो आप देखोगे तो निफ्टी भी अपने प्रॉपर लेवल्स ही फॉलो कर रही है, उसमें कोई नया नहीं है। निफ्टी पे आप देखोगे तो निफ्टी ने प्रॉपर ही अपने लेवल्स फॉलो किए हैं। ठीक है, निफ्टी अपने प्रॉपर लेवल फॉलो कर रही है तो हमें भी निफ्टी के लेवल्स फॉलो ही करने पड़ेंगे, उसमें कुछ नया नहीं करना है। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ता है उसी तरह से अपने को आगे पीछे करता रहना है, बस यही आज की ज्ञान थी। ठीक है, और भी कुछ होगा तो मैं लाइव मार्केट में शेयर करता रहूंगा, तो आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी की सारी अपडेट्स वहीं पे मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, तो वो भी आपको वहीं पे ही मिल जाएगी। तो जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा अभी छोटा सा चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल पैटर्न बनेगा इसमें, ट्रायंगल पैटर्न जो है मंडे के दिन ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम 200 या 200 से 300 पॉइंट के ऊपर या फिर नीचे की साइड में हमें देखने को मिल सकती है, तो ये अच्छी खासी मोमेंटम हमारे लिए मंडे के दिन हो सकती है। तो सो गाइस, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और प्रीमियम के साथ अगर आप लोग डायरेक्टली लिंक होना चाहते हो तो जाइए जल्दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिए हमारा प्रीमियम चैनल, वहीं पे हम सारी की सारी स्ट्रेटेजी मेरी है वो शेयर करता रहता हूँ, और लाइव में भी आइए डेली, लाइव में भी मैं अपने लेवल से वो शेयर करता रहता हूँ, लाइव मार्केट में सारी की सारी अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।